हेलो फ्रेंड्स, चेक कर्मी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर पहली पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी है उसे दबा लीजिए। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 एयर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल सोल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग का 29 नंबर सवाल एक्सरसाइज 12A का 29 नंबर सवाल तक सोल्व हो गया था। अब 30 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है और आज 30 नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 30 नंबर सवाल है यदि एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 2:5 हो तो 3x+2y = 2x+5y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स का मान 2 दिया है और वाई का मान 5 दिया है। एक्स का मान 2 है और वाई का मान 5 है। इसका मान हमको निकालना है। तो 3 एक्स का जगह पर इसका मान पुटअप कर देंगे 2:1 वाई 2 पहले देंगे प्लस है सॉरी 1:5 दे दिए प्लस 2 वाई का मान पुटअप कर देंगे। वाई का मान 5 दिया हुआ है, बीच में कुछ नहीं है, 3x के बीच में कुछ नहीं है। तो गुणा का चिन्ह होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। अनुपात 2x का मान 2 प्लस और फिर प्लस देंगे फिर 5 उतारेंगे और अनुपात 5 वाई का मान 5 दिया हुआ है। अब जैसा कि हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा सवाल है। 3 × 6 प्लस 5 × 10 2 × 4 प्लस 5 = 25 10 × 16 और 25 16 अनुपात 29 यही इसका आंसर होगा दोस्तों, 16:29। 30 नंबर सवाल का देखिए आंसर 16/29 दिया हुआ है। 16/29 सी नंबर क्वेश्चन आंसर इसका होगा 16/29। अनुपात मतलब 29/ होगा या भागा का अनुपात होगा उसका। 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, यदि एक्स अनुपात वाई इजकल टू 3:1 हो तो एक्स का मान क्यू माइनस वाई का मान क्यू अनुपात एक्स का मान क्यू प्लस वाई का मान क्यू इजकल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इसका मार्क पुटअप करना है। एक्स का मान 3 दिया हुआ है और वाई का मान 1 दिया हुआ है। इसका और इसका मान निकालना है। तो एक्स का मान एक्स क्यू दिया हुआ है, तो एक्स क्यू की जगह पर हम लोग 3 का क्यू - 1 का क्यू अनुपात एक्स का जगह पर फिर 3 का क्यू + 1 का क्यू इक्वल टू। अब इसका हम लोग बस इसको जो दिया हुआ है उसको ही कर देना है। 3 का क्यू 27 1 का क्यू 1 अनुपात 3 का क्यू 27 1 का क्यू 1 यहाँ पर 26 27 में से 1 घटा देंगे 26 27 में 1 जोड़ देंगे तो 28 काट देंगे 13 14 आंसर आ गया दोस्तों। 31 नंबर का सवाल 13:14 सी नंबर आंसर राइट आंसर होगा 13:14। आइए दोस्तों 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, यदि एक्स अनुपात वाई इजकल टू 3:4 हो तो सेवन एक्स प्लस 3y अनुपात 7x - 3y इजकल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इसमें भी एक्स का मान 3 दिया हुआ है और वाई का मान 4 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग मान पुटअप करेंगे, जैसे कि 7 एक्स के जगह पर 3 उतारेंगे, एक्स का मान 3 है प्लस 3 वाई का मान 4 है तो वाई के जगह पर 4 उतार देंगे अनुपात 7 एक्स का मान जगह पर 3 उतारेंगे
माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है, बस ये डिफरेंट है। और वाई का मान 3 × 4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको लेकर यहाँ पर जोड़ देंगे, इसमें यहाँ पर घटा देंगे। 7 × 21 + 3 × 4 = 12 अनुपात 7 × 21 − 12। बस सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर प्लस करना है और यहाँ पर माइनस करना है। 21 = 12 2 × 3 2 × 3 अनुपात 21 में से 12 घटाएंगे 11। अब इसको 3 × 1 आंसर 32 नंबर का आंसर आएगा 3 × 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 9 होगा। और इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 11 / 3 11 / 3 32 नंबर का आंसर आएगा 11 / C। इसका राइट आंसर होगा 11 / 3। आइए दोस्तों अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन यदि x 33, यदि x = y = 3/5 हो तो 10x + 3y = 5 x + 2y = ? इसमें भी कुछ नहीं करना है, x का मान 3 दिया हुआ है और y का मान 5 दिया हुआ है दोस्तों। इसमें और इसको मान पुटअप करना है, तो जैसे 10 और x का जगह पर 3 + 3, y का जगह पर 5 दोस्तों। x का जगह पर 3 क्योंकि x का मान 3 है और y का जगह पर 5 क्योंकि y का मान 5 है। अनुपात 5 × 3 + 2 × 5 y का जगह। अब कुछ नहीं करना है, 10 + 30 + 15 5 + 15 + 10। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर आया 45, यहाँ पर आएगा 25, 5 × 9 = 45 15 × 25 9 / 5 इसका आंसर होगा दोस्तों। 33 नंबर का आंसर 9/5 C नंबर क्वेश्चन राइट, C नंबर आंसर राइट है 9/5। ये दोस्तों 34 नंबर सवाल देखते हैं, 34 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। यदि x/5 y/8 हो तो x + 5 / y + 8 = 35 नंबर सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, एक्स का मान बट्टा में 5 मतलब x / y = 5/8 बस यही है, सिंपल सी क्वेश्चन है। एक्स का मान 5 है और वाई का मान 8 है, x + 5 तो माना 5 + 5 और y + 8 y = 8 + 8 5 × 10 = 16 2 × 10 = 16 दोस्तों 34 नंबर का आंसर है 5/8 D नंबर आंसर राइट आंसर है 34 नंबर का 5/8। आइए दोस्तों 35 नंबर सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल यदि 4x² − 3y² / 2x² + 5y² = 12/19 हो तो x / y = ? दोस्तों 35 नंबर सवाल भी उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है वो, टोटल उतना हार्ड नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले मान पुट अप करेंगे, 4x² - 3y² बट्टा में 2x² + 5y² = 12/19 दोस्तों। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात में जब हमारा क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो इसको बट्टा में भी कर सकते हैं हम लोग, 4 = 12/19।
अब दोस्तों हमको यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1976 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1957 वाई स्क्वायर, फिर 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंच 60 वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, एक्स एक्स को एक तरफ कर देना है और वाई वाई को एक तरफ कर देना है। जैसे 76 एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस यहाँ पर 24 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा तो 24 एक्स माइनस माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर 57 वाई स्क्वायर प्लस 60 वाई स्क्वायर। इसको हम लोग जो घटाना है उसको घटा देंगे, जो जोड़ना है जो जोड़ देंगे। 76 में से 24 घटाएंगे तो 52 एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसको इसको जोड़ेंगे तो 117 वाई स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले देखेंगे ये जो कट रहा है। जैसे हम क्या बोले कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो इसका मान ये रहेगा, और वाई के साथ अगर एक्स का मल्टीप्लाई रहेगा तो वाई का मान 52 रहेगा। तो जैसे इसका मान एक्स स्क्वायर ये पल इधर इधर इंटू है तो इधर आकर अनुपात में आ जाएगा वाई स्क्वायर 117, ये इसके साथ इंटू है तो इसके साथ 52। अब सिंपल सी करनी है दोस्तों, पहले देख रहे हैं ये कट रहा है तो कटा लेंगे। 13 नवा 117, 13 चौके 52, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर इजकल टू 9:4। अब इसको मान ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो एक स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका मान हम लोग जो रहेगा उसको हाफ कर देंगे। जैसे 3 स्क्वायर रूट, इस पर रूट चढ़ गया अगर इस रूट हटाने के लिए, तो 3:2 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 3:2 34 35 नंबर का आंसर आएगा, 3:2 सी नंबर आंसर 3:2। दोस्तों आइए 36 नंबर सवाल देखते हैं, 36 नंबर सवाल क्या है। 36 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि 36 नंबर सवाल देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इजकल टू 4xy हो तो x अनुपात y इजकल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है, मान पुट अप करके बनाएंगे। मान लीजिए हम इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इजकल टू 4xy। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4xy इजकल टू 0। जैसे हम लोग इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और 4y² सेम प्रोसेस है, इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 2xy ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 2 दूनी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 2y होगा, 2y। तो जैसे यहाँ पर 2y हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 2 दूनी का 4 4xy सेम आंसर सेम प्रोसेस है दोस्तों। और यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस 2y इजकल टू 0। जैसे कि आप लोग समझ नहीं पाए, यहाँ पर जैसे हमने कटा है एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स अगर कट गया तो एक्स बचेगा यहाँ पर, और 4y में 4y कट गया तो माइनस 2y बचेगा, क्योंकि 4y से 4y कट रहा है, 1y बच रहा है, तो 2y इजकल टू 0।
तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक्स का मान 1 है और वाई का मान, एक्स का मान 2 है और वाई का मान 1 है, जैसे कुछ नहीं रहेगा तो 2 अनुपात 1 आंसर, क्योंकि यहाँ पर वाई का मान वाई के साथ इसके गुना है, तो इसको हम लोग प्लस इधर करेंगे तो +2 आई होगा, तो यहाँ पर हम लगा हमारा एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान कुछ नहीं तो 1 होगा। दोस्तों कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर से बोलिएगा, क्योंकि इस समय क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसको समझा दूंगा आप लोग को। 37 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, यदि एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4:1 हो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अनुपात एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों 37 नंबर सवाल यही दुआ है, जैसे एक्स प्लस वाई अनुपात है तो इसको मल्टी भागा में कर देंगे बाई में, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4:1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक के साथ करेंगे तो एक्स प्लस वाई यही आएगा।